नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही फिट फाट होंगे। तो भाइयों, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि जो अगर हम कुवैत में काम करने के पर्पज से आते हैं तो हमारा एज कितना होना चाहिए भाइयों, क्योंकि बहुत लोग ऐसे, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत सारे मैंने भी ऐसे वीडियो देखे हैं जिन्होंने बोला है कि कुवैत अगर आप काम करने जाते हैं तो आपका एज 21 होना चाहिए, कोई बोलता आपका एज 20 होना चाहिए, कोई बोलता आपका 22 होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप नेट पर सर्च करते हैं गूगल पे, यानी जो सबसे बड़ा जो इंजन सर्च इंजन है गूगल है, तो वहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी शो करता है कि अगर आप कुवैत में आते हैं तो आपके एज है कि 18 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं। मैंने यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे जो वीज़ा का प्रोसेसिंग करवाते हैं, जो लोग वीज़ा इशू करवाते हैं, तो उनसे जाकर पर्सनली बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि कुवैत में अगर आप काम करने आते हैं नॉट लाइक विजिटिंग वीज़ा पे, यानी कि आप किसी फैमिली वीज़ा या फिर किसी विजिट करने अगर आप कुवैत में आते हैं तो उसमें एज जो कि मैटर नहीं करता है, कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप वर्क परमिट से आते हैं कुवैत में, चाहे खादिम वीज़ा हो, चाहे वर्क परमिट हो, चाहे प्रोजेक्ट हो, मतलब किसी तरह अगर आप काम करने के लिए आते हैं तो वहाँ पे आपको एज जो है ना 21 प्लस होना चाहिए, यानी 21 या 21 तो यानी 21 चलेगा, 21 से ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि 21 जो मिनिमम एज है ना आपका 21 होना चाहिए। दोस्तों, काफ़ी जो कि सारे लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं कुवैत में, जैसे कि जानते हैं कुवैत में जो करेंसी है अभी बहुत ही हाई करेंसी है, और हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर 71 समथिंग चल रहा है। अगर हम 1 रुपये की बात करें तो यहाँ पे 1 KD यहाँ का जो करेंसी है कुवैती दिनार है, तो यहाँ का 1 दिनार इंडिया का 71 रुपया उसमें से चल रहा है। तो यहाँ का करेंसी ज़्यादा हाई से लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं, और यहाँ पे काफ़ी कम है, और यहाँ पे डर नहीं होती, आसानी से काफ़ी इजी से मिल जाता है। और ये दोस्तों यहाँ पे अगर आप इंडिया से अगर यहाँ पे आना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ का प्रोसीजर भी काफ़ी इजी होता है। आपको सबसे पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, चाहे इंटरव्यू क्वालिफाई करना होता है। जैसे आपका इंटरव्यू हो जाता है तो इंटरव्यू होने के बाद आपको बोलते हैं कि आपको जाइए अपना लॉ मेडिकल करवाइए। जानते हैं कि कम कमेंट के पहले लॉ मेडिकल करवाना कंपलसरी है। ऐसा कंपलसरी इसलिए क्योंकि कम कमेंट कल 5000 रुपये का होता है, ठीक है। तो अगर आप 5000 कराते हैं तो आपका मेडिकल में कुछ भी अनफिट हो गया तो आपका पैसा मतलब डूबने का चांसेस हो जाता है, और आपका काफ़ी डिले हो जाता है। और काफ़ी डिले होगा तो आपको क्या पता क्लाइंट आपका जो एम्प्लॉयर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो भी कंपनी आपको हायरिंग कर रही है, तो उस टाइम क्या पता आपको ना बुला, क्योंकि उसको डिले कर देंगे तो उसको फ़ायदा नहीं है ना आपके काम करने से। तो दोस्तों, इसीलिए लोग कम का मेडिकल पहले सबसे लो मेडिकल कराते हैं, और लो मेडिकल आप जानते हैं 3000 रुपये का हो जाता है, 2500 से लेकर 3000 का होता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप लो मेडिकल करवाते हैं तो उसमें आपकी जो भी छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम्स होती है, लाइक किसी का यूरिन का प्रॉब्लम होता है, किसी का अंदर मतलब बॉडी के अंदर छोटी मोटी खांसी वगैरह, किसी के अंदर जुकाम होता है, इस तरह के जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है ना उनको फाउंड आउट जैसे करता है, तो आपको डॉक्टर बोलता है कि आप छोटी मोटी दवा ले लीजिए, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास बड़ी प्रॉब्लम का अगर आपको बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है तो आप वो जानते हैं कि आपको कम का मेडिकल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि पैसा डूब जाएगा। जैसे कि सीने में दाग है, किस तरह का कुछ स्टेन आ गया, तो ये सब बहुत बड़ी बीमारी, तो उसको आप उस टाइम नहीं आ सकते हैं। तो उससे बेटर सबसे बेटर क्या होता है कि आप जाइए मेडिकल कराइए, उसको वहाँ पे आना, जैसे कि आपको कहते हैं आना चाहते हैं तो उसको आप छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा, जो भी ऑफिस चार्ज जो भी आप काम करवाना चाहेंगे तो सब कुछ बहुत हो सकता है। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि आप एक वीडियो बनाएं, और मैं आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि मैं आपको आपसे और रिपीट करना चाहता हूँ, अगर आप कुवैत आना चाहते हैं तो कुवैत का जो एज है मिनिमम एज 21 होना चाहिए, 21 प्लस होना चाहिए, 21 भी चलेगा। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मैं 2018 में कुवैत में आया था तो उस टाइम मेरा एज 22 था, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप लोग भी आते हैं तो 21 प्लस करके आएँ, यानी कि 21 हो जाए तभी आएँ, नहीं तो 20-19 में आएंगे तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इमिग्रेशन नहीं होगा, आपका जो भी वीज़ा प्रोसेसिंग होगा कुछ भी नहीं होगा, इससे आपका लॉस हो सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो मेरा पसंद आए, और इसी तरह से वीडियो मैं वैसे बनाता हूँ, आप जैसे देख सकते हैं बैकग्राउंड में, और यहाँ पे भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो कि नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे मस्जिद है जो है कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुवैत में भी मैं रिसेंट में, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको शायद मस्जिद दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मस्जिद है राइट साइड में, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं, और काफ़ी अच्छा चांस भी है। और दोस्तों, एक बात और बता दो, अगर आप कुवैत में आना चाहते हैं तो आप कुछ ना कुछ टेक्निकल कुछ भी टेट से आएँ, ताकि आपको बहुत आसानी से काम मिले, और काम के साथ आपका जो कि इंक्रीमेंट हो, सैलरी जो भी मिलती है आपको सैलरी इंक्रीमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे लेबर भी आते हैं तो लेबर की सैलरी काफ़ी कम होती है, तो इसलिए उनको ज़्यादा मतलब अर्न नहीं कर पाते। दोस्तों, आई होप मुझे आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय।